प्रदेश निसंदेह अनलॉक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता कोरोना के डर से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है। सोलन भी इस डर से अछूता नहीं रहा है। यहां भी लोग अपने घरों से बहुत जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वे आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते निजी हो या सरकारी सभी बसें ज्यादातर खाली आ जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने 100% क्षमता से बसें चलाने की घोषणा तो कर दी है, किंतु उसके बावजूद भी ऑपरेटर खाली बसें चलाने पर मजबूर हैं। बस चालकों को परिचालकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोलन वासी कोरोना संक्रमण से बेहद डर चुके हैं, इसलिए वे अपने घरों से बाहर नहीं आ जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी अधिकांश बसें खाली ही जा रही हैं। केवल कर्मचारी ही मजबूरी में उनकी बसों में सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा HRTC को भी बसों के चलाने से बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है, केवल पेट्रोल का खर्चा ही इससे पूरा हो पा रहा है। सवारियों की बात करें तो जैसे हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने बोला है कि 100% बिठानी है, तो 100% तो हमारे इसमें अभी तक कोई सवारियाँ बैठी नहीं। सवारियाँ बहुत कम है, जैसे कि नान शिमला चलती है उसमें भी सवारियाँ कम है। हर डिपो में बात करें तो इसके बारे में तो सवारियाँ हर चीज़ में हर बसों में कम चल रही है, जिससे कि सरकार बोल रही है कि घाटे पे चल रही है। घाटे पे तो चलनी है बसें, 100% का आ रही है सवारियाँ, सवारियाँ बहुत कम समय आ रही है। तो क्या विभाग को इससे परेशानी है? बहुत परेशानी है विभाग को, सवारियाँ नहीं होगी तो कहाँ से क्या होगा पूरा। विभाग ने इतनी ये की हुई फैसिलिटी दे रही है जनता को विभाग, पर फिर भी सवारियाँ तो बिल्कुल है नहीं। जिस प्रकार घाटे में चली सरकार सारी, तो सरकार लोगों से तो बस यही अनुरोध है कि सरकार अगर इतना फैसिलिटी दे रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बसों में सफ़र करें, तो इतना बोल सकते हैं हम तो। सर 100% तो नहीं आ रहे, लोग घरों से इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। जैसे अभी तक स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जो आजकल ज़्यादातर एम्प्लॉई जो प्राइवेट वाले हैं सरकारी वही घरों से आ रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग नहीं आ रहे हैं। या जिसको ज़रूरी काम है वही घर से आ रहा है। सर असर पड़ रहा है घाटे पे, जो कुछ एक बसें हैं हमारी खाली जा रही हैं, खाली जा रही हैं, काफ़ी रूट घाटे पे चले हुए हैं यहाँ के, तो तेल बस तेल खर्च ही पूरा हो रहा है मेरे आइडिया से। तो सवारी कम निकल रही है, कई रूटों पे तो बिल्कुल खाली है, कई पे ठीक ठाक है सवारी लोग, जहाँ तक कि तेल का खर्चा है पूरा हो रहा है वो भी बस।